TMKOC बोले तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड ए टू जेड, मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट साहिल यादव। तो बात की जाए तारक मेहता के उल्टा चश्मा के बारे में, तो जैसे ही हम जानते हैं तारक मेहता में जो किरदार निभाते हैं जेठालाल का दिलीप जोशी, तो वो एक उनका जो किरदार है वो एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान में सेठ है, उस दुकान के मालिक है। तो जैसे कि हम जानते हैं उनकी जो दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बारे में जो शो में दिखाया गया था वो ये बताया गया था कि चूहों ने वायर काट दिया है। लेकिन ये रीज़न नहीं है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बॉलीवुड ए टू जेड को। तो मैं आता हूँ रीज़न पर। एक्चुअली बात ये है कि जो उनका जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है वो जो शूट होता है वो दूसरी प्लेस पर शूट होता है और इनका जो गोदाउन है वो दूसरी जगह पर है। तो इस कारण से मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि जब तक कोरोना काल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जेठालाल की जो दुकान है उसका शूट नहीं दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें और आपको जेठालाल की दुकान को देखने नहीं मिलेगा। जैसे बात की जाए रिसेंट शो के एपिसोड के बारे में, तो उसमें यही दिखाया गया था कि जब जेठालाल जो पहुँचते हैं वो सीधे अपने गोडाउन में पहुँचते हैं, जो गगन मागा है वो लोग भी गोडाउन में ही रहते हैं। तो कहीं पर भी जेठालाल की दुकान यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शूट नहीं दिखाया गया है। कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए रखा जा रहा है ये चीज़ को कि कहीं भीड़ इकट्ठी ना हो जो पब्लिक प्लेस पर शूट होता है। तो इस कारण से हमें कुछ महीनों या फिर जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें जेठालाल की दुकान नहीं देखने मिलेगी। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड ए टू जेड। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ये अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप तक तारक मेहता से लेकर हर बॉलीवुड की छोटी बड़ी अपडेट्स पहुँचती रहे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए टेली बॉलीवुड ए टू जेड को।